वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ताजदारे बगदाद पीराने पीर रोशन जमीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई है, क्या मकाम आपको अता फरमाया है। सारी दुनिया के औलिया की गर्दनों पर आपका कदम है। बगदाद की सरजमीन पर हुजूर गौसे आजम ने ऐलान फरमाया था और सारी दुनिया के औलिया ने अपनी गर्दनों को झुका लिया था। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन देखो, वो भी लाजवाब है, जवानी भी लाजवाब है। ताजदार बगदाद पीराने पीर रोशन जमीर बचपन के अंदर जब उस्ताद के पास पढ़ने के लिए मकतब में पहुंचे, उस्ताद ने पढ़ाना शुरू किया, पढ़ो अब्दुल कादिर औजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। हुजूर गौसे आजम ने पढ़ना शुरू किया औजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अभी उस्ताद आगे कुछ पढ़ाएं कि हुजूर गौसे आजम ने खुद आगे पढ़ना शुरू कर दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे पढ़ते चले गए, सूरह फातिहा पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। पूरी सूरह फातिहा कंप्लीट कर ली, पूरी पढ़ ली। उसके बाद में सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दिया। पहला पारा जो पूरा पढ़ दिया, कंप्लीट कर दिया। दूसरा पारा मुकम्मल पढ़ दिया, तीसरा पारा पढ़ दिया। सरकार गौसे आजम बचपन है, अभी पहली बार मकतब में आए हैं। पहली बार तब में आने के बाद में पढ़ना शुरू किया है, पहला पारा पढ़ दिया, दूसरा पढ़ दिया, तीसरा पढ़ दिया और आप पढ़ते चले जा रहे हैं। जब हुजूर गौसे आजम ने 18 पारे पूरे पढ़ दिए तो उस्ताद ने रोका, अब्दुल कादिर रुक जाओ, अब्दुल कादिर रुक जाओ, जरा ये बताओ पहली बार मकतब में आए मगर ये बताओ तुमको पढ़ाया किसने है, ये जबानी तुमने 18 पारे पढ़ दिए कहाँ याद किए, किसने पढ़ाया। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा है, मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा है। जब मेरी माँ, जब मैं अपनी माँ के शिकम में था, मेरी माँ वुजू करके घर के काम काज में लग जाती थी। इधर मेरी माँ काम करती रहती थी, घर में झाड़ू भी लगा रही है, कुरान की तिलावत भी हो रही है, घर के बाकी काम भी कर रही है, खाना बना रही है, कुरान की तिलावत कर रही है, घर के बर्तन धो रही है, बर्तन साफ कर रही है, तो कुरान की तिलावत कर रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी, चलते फिरते वो 18 पारों को पढ़ती थी, उन पारों को वो इतना पढ़ती थी, इतना पढ़ती थी कि मैं अपनी माँ के शिकम में सुना करता था। मेरी माँ पढ़ती रही, मैं माँ के शिकम में सुनकर उन पारों का हाफिज बन गया। मैंने अपनी माँ के शिकम में उन 18 पारों को याद कर लिया कुरान के। ये गौसे आजम है जो माँ के शिकम से पैदा हुए हैं तो 18 पारों के हाफिज पैदा हुए। आज हमारे आपके बच्चे जब मदरसों में पढ़ने के लिए जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं हिफ्ज करने में कुरान मजीद, मगर हुजूर गौसे आजम तो माँ के शिकम से 18 पारों के हाफिज पैदा हुए हैं। अल्लाह अकबर, गौर तो फरमाए आप। और यही हुजूर गौसे आजम में अल्लाह की कसम याद रहे, कभी ठोकर मार देते हैं तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि लोग जो आपके मुखालिफीन थे
एक बार उन्होंने मशवरा कर लिया, प्लानिंग कर ली, कहने लगे अब्दुल कादिर को गौसे आजम को हम रुस्वा करना चाहते हैं। प्लानिंग करके उन्होंने कहा अब्दुल कादिर से एक नमाज जनाजा पढ़वाएंगे, एक मुर्दे को लेकर जाएंगे जो दर हकीकत मुर्दा नहीं होगा, जिंदा होगा। एक को तैयार किया, एक जवान को तैयार किया, कहने लगे हम तुझे उस मसहरी में लिटा कर लेके जाएंगे और हुजूर गौसे आजम से जाकर कहेंगे कि नमाज पढ़ा दो। जब वो पहली तकबीर बोल दे, वो दूसरी तकबीर बोल दे, जब वो तीसरी तकबीर बोले तो तू उठकर बैठ जाना। उधर वो तीसरी तकबीर बोलेंगे नमाज पढ़ा रहे होंगे जनाजे की, इधर तू मसहरी से उठकर बैठ जाना, इधर हम गौसे आजम का मजाक उड़ाएंगे। अल्लाह, ये सारे के सारे बेवकूफ अहमक हुजूर गौसे आजम का मजाक उड़ाना चाहते थे, मगर इनको मालूम नहीं था कि किससे भिड़ रहे हैं, किससे पंगा ले रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, वो जो ठोकर मार के मुर्दों को जिंदा कर दे, तुम भी जिन्ला कह दे तो मुर्दे जिंदा हो जाए। उस गौसे आजम के पास पहुंचे हैं, वो जमाल के आलम में हो, जब वो खुश हो तो मुर्दों को जिंदा कर दे, और जब वो जनाजा पढ़ा दे तो फिर जो जिंदा हो वो भी मुर्दा हो जाए। तैयार करके लेके आ गए जनाजा, ला कर रख दिया अब्दुल कादिर, नमाज़े जनाजा पढ़ा दीजिए। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया जाओ किसी और से नमाज़े जनाजा पढ़वा लो, मैं नहीं पढ़ा। कहा नहीं नहीं आप ही पढ़ाइए, आपसे पढ़वाना है। हुजूर गौसे आजम फरमाने लगे मैं मुर्दों की नमाज जनाजा पढ़ाया करता हूँ। कहने लगे हुजूर मुर्दा ही तो लेकर आए, अब्दुल कादिर नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, मुर्दा ही तो लेकर आए। हुजूर गौसे आजम फरमाते नहीं नहीं किसी और से पढ़वा लो। कहने लगे नहीं आप ही पढ़ा दीजिए, आपके पास आए। अल्लाह अकबर कबीरा, हुजूर गौसे आजम उठे और उठने के बाद में मुसल्ला बिछा दिया गया, जनाजे के सामने खड़े हुए और पीछे मुड़ के लोगों से कहने लगे कि सफे दुरुस्त कर ली। कहने लगे जी हुजूर कर ली। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया तो फिर मैं नमाज़े जनाजा पढ़ा दूं? कहने लगे हाँ पढ़ा दो। का नियत कर लूं? का नियत कर लो। हुजूर गौसे आजम ने नियत कर ली, नबी तू अनुवद्दी अल्लाह ताला अरबा तकबीरात सलात जनाजा अस्सनाउ लिल्लाह ताला व दुआउ लिहाजल मय्यित मुतवज्जहन इला जिहतिल काबत शरीफा। अल्लाहु अकबर कहकर हुजूर गौसे आजम ने नियत कर ली। जैसे इन्होंने नियत बांधी, पहली तकबीर बोली, ये सारे के सारे जो पीछे खड़े हैं इंतजार कर रहे हैं, अब गौसे आजम तीसरी तकबीर तक पहुंचेंगे तो वो बैठ जाएगा, फिर हम मजाक उड़ाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, मगर वलियों की शान निराली। और फिर ये तो पीरों के पीर हैं, ये तो पीरा ने पीर है, रोशन जमीर है। अल्लाह अकबर कबीरा, हुजूर गौसे आजम ने दूसरी तकबीर कह दी अल्लाह अकबर, अब ये तीसरी के इंतजार में है। ताजदार बगदाद ने तीसरी तकबीर भी कह दी अल्लाह अकबर, अब ये देख रहे हैं कि अब उठने वाला है, मगर वो नहीं उठा। ये इंतजार कर रहे उठ क्यों नहीं रहा है, मगर वो उठ नहीं पा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, हुजूर गौसे आजम ने चौथी तकबीर भी बोल दी। अब इनको गुस्सा आने लगा, इसे हम तैयार करके लाए थे, समझा के लाए थे तीसरी तकबीर के बाद में खड़े हो जाना, मगर ये खड़ा नहीं हो रहा है। आखिर क्या बात हो गई है इसको? हुजूर गौसे आजम ने चारों तकबीरें कंप्लीट की, उसके बाद में आपने सलाम फेर दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज़े जनाजा मुकम्मल हो गई। अब इन्होंने जल्दी जल्दी आ गया है और मसहरी से कपड़े को हटाया, चादर को हटाया, देखने लगे, कह रहे तू उठा किस लिए नहीं? मगर जब करीब आए, करीब आकर क्या देखा, जिसको तैयार करके लाए थे, जिस जिंदा को लेके आए थे, गौसे आजम ने नमाज पढ़ा दी, अब वो जिंदा नहीं रहा बल्कि मुर्दा हो गया। परेशान हो गए, ए अब्दुल कादिर, ए पीरा ने पीर, माफ कर दीजिए, हम तो जिंदा को लेकर आए थे। ये जिंदा था,
हम तो आपका इम्तिहान लेना चाहते थे, हम तो आपका मजाक उड़ाना चाहते थे। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया ठीक है जो भी है, लेकिन मैंने ये बात अलग है कि मैं मुर्दों को जिंदा कर दिया करता हूँ अल्लाह के हुक्म से, मगर अब मैंने जिसकी नमाज जनाजा पढ़ा दी है वो अब उठ नहीं पाएगा। हुजूर गौसे आजम फरमाते मैंने तो तुमसे मालूम किया। ये हुजूर गौसे आजम है जब जलाल के आलम में है और नमाज जनाजा पढ़ा दे तो फिर जिंदा हो तो वो उठ ना पाए, और अगर जमाल के आलम में हो तो फिर ये अगर मुर्दों को कह दे कुम बिज़निल्लाह तो मुर्दे जिंदा हो जाते। तो फिर हम इसीलिए तो कहते हैं वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा।